ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला बिलासपुर भाजपा मंडल की बैठक जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान की अध्यक्षता में प्रीति गृह बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी मंडलों तथा भाजपा से संबंधित महिला एवं युवा संगठनों के सभी अग्रणी संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में पधार रहे हैं। जेपी नड्डा का बिलासपुर के झंडूता विधानसभा के सुनहाने भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। जिला बिलासपुर भाजपा मंडल की बैठक जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान की अध्यक्षता में परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी मंडलों तथा भाजपा से संबंधित महिला एवं युवा संगठनों के सभी अग्रणी संगठनों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में पधार रहे जेपी नड्डा का बिलासपुर के झंडूता विधानसभा के सुनहानी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कमेटियों का गठन भी कर लिया गया है, ताकि पहली बार बिलासपुर आगमन पर आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कोई कमी न रहे। सुनहानी हेलीपैड का भव्य स्वागत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडूता में 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत में शेर से लेकर झंडूता तक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने जो उनको जिम्मेवारी मिली है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके पहले बार वो बिलासपुर पधार रहे हैं और हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज की जो बैठक बुलाई गई है उस तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है और इसमें जिला भर के कार्यकर्ता आए हुए हैं और नड्डा जी का कल सुनहानी हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जनसभा में सभी कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होने के बाद उनको घर तक भव्य तरीके से उनको घर तक छोड़ेंगे और ताकि जो नव वधू और वर वधू को जो आशीर्वाद भी कार्यकर्ता देंगे जाकर के वहाँ, इसलिए उन तैयारियों की समीक्षा के लिए आज बैठक बुलाई गई थी और सभी कार्यकर्ताओं में लोगों में नाकावासी में बहुत ही जोश है इस कार्यक्रम को लेकर के उनकी तैयारी के लिए बैठक बुलाई।